मेरे रूम के अंदर बेसिकली ये सॉकेट थी जिसमें ये फैन का स्विच था। मार्केट से एक ये स्मार्ट स्विच मिला है फैन के, इसमें है 4 लाइट्स का ऑप्शन। अब इसके सिंपल से कनेक्शन थे, लाइट जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन करनी है तो मैं ये बेड RGB लाइट है, इसके अंदर मैं ब्राइटनेस की कम कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। अब मुझे अगर ये ड्रेसिंग लाइट ऑफ करवानी है तो हे गूगल टर्न ऑफ द ड्रेसिंग लाइट, तो इसने ये ड्रेसिंग Got लाइट। it. Turning the dressing light off. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत होंगे। आज जी मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आज की वीडियो है हमारी स्मार्ट स्विचेस पे। मेरे रूम के अंदर बेसिकली ये सॉकेट थी जिसमें ये फ़ैन का स्विच था ये वाला, और ये 2 लाइट्स के हैं और ये फ़ैन का। तो इसके लिए मुझे मार्केट से एक ये स्मार्ट स्विच मिला है फ़ैन के लिए, यानी कि आप अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको और टच से भी कर सकते हैं कंट्रोल। इसमें है 4 लाइट्स का ऑप्शन है, यानी कि 4 लाइट्स मैं इसके अंदर इसके थ्रू कंट्रोल कर सकता हूँ, और ये सिर्फ फ़ैन के लिए। तो अब इसके लिए मुझे लगाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे पास रूम के अंदर तो बॉक्सेस अवेलेबल नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि मैं इनको एडजस्ट कर सकूँ स्मार्ट स्विचेस को, तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ ये 2 बॉक्सेस। इस तरह के ये 2 बॉक्सेस लगेंगे यहाँ पर, जैसे एक यहाँ पे लग गया एक यहाँ पे लग गया। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ ताकि इस ये जो पूरा बॉक्स पहले लगा हुआ था इसको मैं इसके कवर लगा के इसको क्लोज़ कर दूँ, और इसकी जो ये सारी वायरिंग है ये मैं इस होल के थ्रू निकाल लूँ और इस होल के अंदर से इस बॉक्स में निकाल लूँ, यानी कि ऊपर ये 2 बॉक्सेस जो है फ़ैन के और लाइट्स के लिए मैं यूज़ कर लूँ, और नीचे से इसको क्लोज़ कर दूँ ताकि हमारी कोई वायरिंग वगैरह भी नज़र ना आए, सब हिडन रहे। तो चलिए ट्राई करते। अच्छा जी, इसके अंदर बॉक्स मैंने फिट कर दिया है और जो वायर्स मुझे चाहिए थी वो मैंने नीचे से यहाँ होल करके यहाँ से निकालनी है जो चाहिए थी मुझे। इसको अब क्लोज़ कर देंगे। एक बॉक्स मैंने फ़िट कर दिया है, दूसरे के भी जो है मैंने ड्रिल कर दिया हुआ है, बस अब इसकी फ़िटिंग करनी है बॉक्स की। तो ये बॉक्स की फ़िटिंग करके इसको फिर इसके अंदर डिवाइस इंस्टॉल करते हैं। अच्छा जी, हमने इसकी कंप्लीट वायरिंग कर दी है, अब आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं। मिड वाले मिड से ये ऑन ऑफ होता है, राइट से प्लस स्पीड इंक्रीज़ होती है और लेफ़्ट वाले बटन से स्पीड कम होती है। अब इसके सिंपल से कनेक्शन थे, एक न्यूट्रल, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये सिंपल न्यूट्रल है, ये लाइन जो है ये L जो है फेस आ गया और L1 जो है लोड हो गया, यानी कि फ़ैन जो है हमने L1 पे लगा दिया, बाकी सिंपल फेस और न्यूट्रल। और इसी तरह इसके कनेक्शन है सिंपल। मेरे स्विचेस की सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो जो हमारा पुराना स्विच था उसके ऊपर मैंने ये जो है कवर लगा दिया ताकि वो बिल्कुल पैक हो जाए, और अब मेरे नए बॉक्सेस ये इंस्टॉल हो चुके हैं। तो इसको आपको डेमो देते हैं। अब जैसे कि अब आपको सामने जो नज़र लाइट नज़र आ रही है, अगर मुझे वो ऑफ़ करनी है तो सिंपल टच बटन से हो जाएगी, जैसे कि ये देखें ये ऑफ़ हो गई, ये टच से ऑन हो गई। और इसी तरह अभी फ़ैन जैसे कि ऑफ़ है, तो फ़ैन को अगर मुझे ऑन करना है तो मैं सिंपल सेंटर में इसको टच करूँगा बटन को, ये फ़ैन देख सकते हैं ऑन हो गया है। और इसी तरह इसके अंदर जो है प्लस माइनस भी स्पीड इंक्रीज, इसके 5 स्टेप्स हैं तो 5 स्टेप्स तक जो है स्पीड में कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, और बाकी ये 2 लाइट्स के हैं। अब ये तो मैंने आपको कंट्रोल करके दिखा दिए टच सेंसर से, तो अब जो है मैं आपको कंट्रोल करके दिखाता हूँ मोबाइल के थ्रू। तो बेसिकली गूगल होम की एक एप्लीकेशन है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन आती हैं ये इन स्विचेस के साथ जो एप्लीकेशन आई थी वो स्मार्ट लाइफ आई थी। अब स्मार्ट लाइफ के अंदर जैसे मेरे पास ये फ़ैन स्विचेस, इसको मैं ऑन भी कर सकता हूँ, ऑन हो गया, इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ,
और इसके साथ जो है स्मार्ट स्विचेस भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी होती हैं स्मार्ट होम के लिए, वो सब इंटीग्रेट आपकी हो जाती हैं गूगल होम एप्लीकेशन से। तो अगर कोई डिफरेंट डिवाइस भी हो स्मार्ट लाइफ के अलावा, तो सब सब आप जो हैं जो सब डिवाइसेस आप एक गूगल होम के एप्लीकेशन के अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको शो करूँ, इस टाइम जैसे मुझे अपनी वॉल लाइट ऑन करनी है, तो मैं वॉल लाइट ऑन हो गई, ये वॉल लाइट ऑफ हो गई। इसी तरीके से अगर मुझे सेवर लाइट अपनी ऑन करनी है, तो ये सेवर लाइट ऑन हो गई, ये सेवर लाइट ऑफ हो गई। और अगर मुझे फ़ैन की स्पीड फ़ैन को ऑन ऑन ऑफ करना है, तो ये देखिए फ़ैन ऑन हो गया। इसको मैं प्रेस करके रखूँगा तो मेरे पास ये फ़ैन की स्पीड आ रही है, अभी फ़ैन चल रहा है फुल स्पीड पे। इसको मैं करता हूँ वन, तो ये मेरी फ़ैन की स्पीड जो है वन पे हो जाएगी। अच्छा, एक तो है मैंने जो है बेड आरजीबी लाइट भी लगाई हुई है, जो बेसिकली बेड के बैक पे ना आरजीबी लाइट एक लगी हुई है, वो भी जो है स्मार्ट है, तो उसका भी एक आपको डेमो देता हूँ। अब जैसे ये बेड आरजीबी लाइट है, इसके अंदर मैं ब्राइटनेस की कम कर सकता हूँ और ज़्यादा भी कर सकता हूँ, और इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं। चाहूँ तो मैं इसको ब्लू कर लूँ, चाहूँ तो ग्रीन कर लूँ, चाहूँ तो ऑरेंज कर लूँ, और चाहूँ तो वाइट कर लूँ। अच्छा जी, मेरे पास ये एक गूगल होम की डिवाइस है। इसका बेसिकली बेनिफिट ये है कि मैं वॉइस कमांड के थ्रू भी कोई भी स्विचेस वगैरह ऑपरेट कर सकता हूँ। इसका मैं आपको एक डेमो देता हूँ। जैसे अब मुझे अगर ये ड्रेसिंग लाइट ऑफ करवानी है, तो हे गूगल टर्न ऑफ द ड्रेसिंग लाइट, तो इसने ये ड्रेसिंग Got लाइट, it. Turning the dressing light off. हे गूगल टर्न ऑन द ड्रेसिंग लाइट। Sure. Turning on the dressing light. अब जैसे कि ये फैन ऑफ है, तो मैं फैन ऑन करवाता हूँ। हे गूगल टर्न ऑन द फैन स्विच। Sure. Turning on the fan switch. हे गूगल टर्न ऑफ द वॉल लाइट। Sorry, it looks like the home devices is unavailable right अजान, now. आप 2 मिनट के लिए खामोश हो गए, मुझे वॉइस कमांड देनी है। ओके, वो देखें सोफा हो गया। हे गूगल टर्न ऑफ द वॉल लाइट। Got it. Turning off the wall light. तो इससे ये भी कमांड दे सकते हैं हम। अच्छा, अब इसमें ना मेरे पास एक चीज़ डिवाइस और थी, ये है बेसिकली वाईफाई रिमोट कंट्रोलर। तो ये 360 डिग्री पे काम करता है। इसके अंदर कोई भी जो रिमोट वाली डिवाइस होती है ना आपकी, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, और कोई भी किसी भी चीज़ का रिमोट है, तो उसकी जैसे कोई भी वैल्यू हम जो है ना इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं किसी भी रिमोट की। इसके अंदर अपनी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ भी होती हैं, और हम चाहें तो करवा भी सकते हैं। तो आपको इस डिवाइस का मैं डेमो करवाता हूँ। तो अभी जैसे कि एसी ऑन है, ऑफ है हमारा, तो इसको करवाते हैं ऑन। हे गूगल टर्न ऑन द एसी। Okay, turning on the air conditioning. अब एसी ऑन हो चुका है, इसको ऑफ करवाते हैं। हे गूगल टर्न ऑफ द एसी। Sure, turning off the air conditioning. जैसे आप देख सकते हैं एसी ऑफ हो गया। तो इन स्मार्ट डिवाइसेस का फ़ायदा तो काफ़ी है, क्योंकि हम इसके थ्रू मोबाइल से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, वॉइस कमांड के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं चीज़ें,
और हम रूटीन भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एसी जो है सुबह 7 बजे ऑफ हो जाए, तो मैं इसमें एक रूटीन सेट कर दूंगा कि सुबह 7 बजे ऑटोमेटिकली वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगी। लेट सपोज मैं कोई भी अपना स्विच या लाइट्स वगैरह ऑन या फैन ऑन ऑफ की कोई रूटीन लगाना चाहता हूँ, या लेट सपोज मोटर की एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि डेली जो है मोटर मेरी 15 मिनट चले, तो अगर वो स्मार्ट स्विच से जो है अटैच है वो मोटर, तो फिर मैं उस पर कोई भी रूटीन लगा दूंगा कि भाई डेली जो है 3 बजे मोटर ऑन हो, 3:15 पे जो है मोटर ऑफ हो जाए। तो इस तरह के बेनिफिट्स हैं, मतलब वॉइस कमांड के थ्रू भी रूटीन्स भी लगा सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।